हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका रॉयल एस इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम डिस्कस करेंगे आज के करेंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को। और रेफरेंस है द हिंदू न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट आर्टिकल अपने काम का दिख रहा है वो है डब्ल्यू आर आई से रिलेटेड। डब्ल्यू आर आई का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अपना मकसद यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके, पैटर्न को ध्यान में रख करके न्यूज आर्टिकल्स को स्टडी करना है। तो जो मेन मुझे यहाँ दिख रहा है अपने इस काम के लिए वो है डब्ल्यू आर आई। डब्ल्यू आर आई का मतलब होता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आप लोग नोट भी करते चलें, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होगी, टू द पॉइंट होगा। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में इसका ब्रांच है। दिल्ली के सीएम ने इस इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया था एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए, दिल्ली के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पर्टिकुलरली स्ट्रीट जो हैं क्रिस क्रॉस कर रहे हैं उनको एक सर्टेन डिजाइन देने के लिए। तो क्वेश्चन इस पे बन सकता है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट पे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो ध्यान रहे। 1982 से ये यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड होते हैं इसकी सर्विस लेने के लिए उसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। बात हम आगे करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल में ऊपर में एक हेडलाइन में ही दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन अलॉट्स न्यू नेम्स एंड सिंबल्स टू बीजेपी एलजेपी फैक्शंस। एलजेपी जो कि एक रीजनल या स्टेट पार्टी है और वो हाल ही में उसका डिवीजन हुआ है, कुछ लोग आपस में बांट लिया है उन्होंने पार्टी को। इलेक्शन कमीशन का काम होता है नई पार्टी को सिंबल देना और जो भी रिलेटेड है इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किसका किसका करवाता है? प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन सब का इलेक्शन का जिम्मा है इलेक्शन कमीशन के पास। इसके अलावा नेम और सिंबल, पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल, ये सारा कुछ भी जिम्मा है इलेक्शन कमीशन का। अब जब बात इलेक्शन कमीशन की आई है तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में है, 324 नंबर में है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन देता है, जिसमें अब तीन मेंबर होते हैं, एक सीजेआई, एक ईसीआई है, 1+2 से आप इसे याद रख सकते हैं। जो अभी ईसीआई है, चीफ इलेक्शन, सीईआई कह लीजिए आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये है सुशील चंद्रा साहब, आईआरएस ऑफिसर हैं। और जो उनके दो कुलीग हैं मेंबर, वो दोनों आईएएस हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एक आईआरएस ऑफिसर सीनियर, ऑफ कोर्स सीनियर हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी के दो जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मेंबर हैं। तीन मेंबर का इलेक्शन कमीशन एक बॉडी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एस्टेब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन 1950 में और इसने फर्स्ट लोकसभा कंडक्ट करवाया था 1950 के लास्ट में, काफी लास्ट में, इनफैक्ट 52 में लोकसभा को माना जाता है। 25 जनवरी को इसे एस्टेब्लिश किया गया था और यही रीजन है कि आज तक 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के नाम से मनाते हैं। वोटर्स डे इस दिन मनाया जाता है और 24 जनवरी पता ही होगा बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए इफ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी आई पी और इन पी सी एस और यू पी एस सी एग्जाम।
आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है उसकी बात हो रही है, और ये नोबेल प्राइज दिया गया है क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की। 2021 एक बार फिर से चर्चा में है, एक तो COP26 को लेकर के जो अभी नवंबर में ग्लासगो में होने वाला है, ग्लासगो यूके में पड़ता है, COP26 क्लाइमेट समिट होने वाला है। किनको किनको ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है ये देखते हैं। एक यूएस जापानी साइंटिस्ट हैं सियोको, और दूसरे हैं क्लॉस जर्मनी के, तीसरे हैं पेरिसी इटली के। इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज। किस बात के लिए? इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक फिजिकल सिस्टम का मॉडल बना करके पेश किया है, जो क्लाइमेट चेंज को और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन को समझने में लोगों को काफी हेल्प करेगा। ये सारे के सारे बहुत एजिड हैं। जो सियोको साहब हैं ये 90-90 साल के हैं। हेसेलमैन जिन्हें हम क्लॉस बोल रहे थे, क्लॉस उनका पहला नाम है। आप देखो पेपर के लिए आप किसी भी, या तो फर्स्ट लेटर याद रखो नाम का या सेकंड वाला याद रखो, आप दोनों नाम याद करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। फिर एक नाम से भी हो जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता कि एक ही नाम के दो दे देते हैं या सरनेम दो, सेम सरनेम डाल देंगे दो में, ऐसा नहीं होता है पेपर में, आज तक तो नहीं हुआ है मेरे साथ। जो सियोको है वो है 90 ईयर, और क्लॉस है वो है 89 ईयर, और ये पेरिसी है 73 ईयर ओल्ड है। तो 90 ईयर काफी मायने रखता है। इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। किस लिए? क्लाइमेट चेंज को एक मॉडल के तौर पे समझाने के लिए और उसके रिमेडीज को समझाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल दिख रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट एम्बिशियस हिम्स। ये हिम्स क्या है? एक्चुअली हिम्स हेल्थ से रिलेटेड एक सिस्टम है। इसका पूरा नाम है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मोदी साहब ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि हर एक इंडियन सिटीजन को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना एक हेल्थ कार्ड देने का फैसला किया है दिल्ली के सारे जो यहाँ पे लोग हैं। इसमें हर एक सिटीजन को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, विच विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ देयर मेडिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें उनके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे कि उनका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है, और उस बेस पे उनका फर्दर इलाज किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिम्स यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम किस स्टेट या यूटी ने चलाया है, लॉन्च किया है? तो ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। आगे बात करें तो आज नेशनल डे का एक एडवर्टाइजमेंट आया है ताइवान का। ताइवान जो एक कभी इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, अब चाइना के अंडर है, चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ताइवान के नाम से एक स्ट्रेट भी है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ये आपका ताइवान है और ये चाइना है। यहां पर है ये ताइवान स्ट्रेट, इसी को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं फॉर्मोसा स्ट्रेट। साउथ चाइना सी काफी डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना और बाकी के जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं, एज वेल एज ईस्ट चाइना सी भी, जहां जापान का सिकाकू आइलैंड पड़ता है, वो भी काफी डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ताइवान का लोकेशन ताइवान स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है अपना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना या आयुष्मान का जो एक पार्ट था उससे रिलेटेड। आप सबको पता होगा आयुष्मान 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, पीएम जेएवाई के नाम से, आयुष्मान भारत के नाम से, और ये लॉन्च किया गया था रांची से।
कब? 23 सितंबर 2018 को, 3 साल हुए हैं इसे अभी लगभग। इसके मेन प्रोविजन ये थे कि इसमें 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे पर फैमिली, 5 लाख रुपीज दिया जाएगा टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में इलाज करवाने के लिए। प्राइमरी तो खुद ही लोग कर लेते हैं, या प्राइमरी हेल्थ केयर होता है हर गांव में, छोटे से गांव में भी। तो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने हैं जो भी बेनिफिशियरी होंगे। और ऐसे ऐसे टोटल लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, यानी इंडिया के आधे पॉपुलेशन को ये कवर करता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है, ऑब्वियस होगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के बाद हमारे पास है। आयुष्मान भारत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के हॉस्पिटल्स को इलाज करना होता है, प्रोवाइडेड ये दोनों पैनल्ड हो। एक पैनल बनता है हॉस्पिटल का एरिया वाइज। तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में जो बेनिफिशियरी है वो अपना इलाज करवा सकता है। 2021-22 का जो बजट है इसके लिए वो है 8088 करोड़ का, यानी 8088 करोड़ का बजट है 2021-22 का आयुष्मान भारत का, या PMJAY का, जन आरोग्य योजना कह लें। जन औषधि इसका एक अलग पार्ट है, ये सारे आयुष्मान के अंदर ही आते हैं। पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 23 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया रांची से, इस साल 8088 करोड़ का बजट है उसका। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में जो बेनिफिशियरी है उनको इलाज करवाने के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। कैश नहीं दिया जाता है, एक सिस्टम होता है जिसमें उनका डेबिट ऑटोमेटिकली होते रहता है उनके अकाउंट से, या डायरेक्ट हॉस्पिटल को प्रोवाइड करवा के। इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन इसकी बेनिफिशियरी है, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। कुछ न्यूज जो कल वाले हैं, जैसे चर्च केस है, हमने बताया था आर्टिकल 29-30 ये एजुकेशनल और कल्चरल राइट देता है। और कुछ न्यूज बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल के हैं जो अपने काम के नहीं है, हमें ऐसे न्यूज को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। आज के एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल है RBI से रिलेटेड। एक मैडम है, इन्होंने सलाह दिया है कि RBI का जो माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल है उसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि वो एंटी पुअर है। हो सकता है ये मैडम जिनका नाम है मधुरा स्वामीनाथन, ये शशिकांता दास, पता होगा आपको शशिकांत दास अभी RBI के गवर्नर हैं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों ये। तो इन्होंने कुछ सलाह दिया है, आप अपने नॉलेज के लिए इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अपना फोकस RBI पर है, पर्टिकुलरली प्री के लिए, और मेंस के लिए जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो इसमें डाटा दिया हो बिना मैनिपुलेशन का हो। तो हमें ऐसे डाटा से बचना चाहिए जहां कहीं भी किसी भी टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाए, सलाह दिया जाए, उसके डाटा को आपको ऑथराइज्ड नहीं मान के चलना है। हमेशा डाटा गवर्नमेंट का आपको मानना है, वही आपको मेंशन करना है पेपर में, किसी भी प्राइवेट का नहीं करना है। इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी बातें भी हो। फिलहाल RBI से रिलेटेड जो है वो ये है कि 1 अप्रैल 1935 को RBI एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, तब ये मुंबई में नहीं हुआ करता था। शशिकांत दास इसके अभी गवर्नर हैं। बाकी चीजें आपको लगे तो इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। सेकंड जो है वो कल हमने डिस्कस किया था, डिटेल इन रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, COVID-19 को के पेशेंट जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनको 50,000 अर्जेंट पे करने का, वो NDMA एक्ट है उसके तहत है। दूसरा एडिटोरियल जो दिख रहा है वो है कि विद ऑकस इंडिया मस्ट कीप इट्स हेड एवर वाटर। मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनपुट मिल जाएंगे। इनका कहना है कि सिक्योरिटी ग्रुपिंग स्पेल्स अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो पॉसिबल यूनिक चैलेंज विच न्यू दिल्ली कैन इल अफोर्ड टू इग्नोर। थोड़ा सा डिलेमा में ये है जो इसके राइटर हैं इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है। ये कह रहे हैं कि इंडिया ना तो इग्नोर कर सकती है, और अगर एक्सेप्ट करती है
तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसे डिस्कस किया होगा इन्होंने कि हमारे नेबरहुड में क्या रिलेशन है, हमें क्यों ऑकस में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करना चाहिए, यूएस को मनाना चाहिए वगैरह वगैरह। एक और न्यूज है इधर, विद ए बैंग द आईएमडी कैन फर्दर इम्प्रूव इट्स मॉडल टू फॉरकास्ट शॉर्टफॉल एज वेल एज एक्सेस रेन्स। आईएमडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेड डिपार्टमेंट, जिसका कोई काम नहीं है, घर बैठे कह देते हैं आज बारिश होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इनका कहना है कि इस बार साउथ वेस्ट मानसून हैज ऑफिशियली एंडेड इन इंडिया विद 87.4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देखो डाटा तो नहीं पूछा जाता कभी कि इस बार कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, हाँ स्टेट पीसीएस वाले एवरेज पूछ देते हैं कि पिछले 20 साल में बारिश में कमी आई है, तेजी आई है, ये इस तरह की बातें वो पूछते हैं। तो जो अपना आर्टिकल बनता है यहाँ से आईएमडी और रेनफॉल को देख करके कि और मानसून को देख करके, वो ये बनता है कि इंडिया में मानसून लाता कौन है। ऑब्वियस ही बात है साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है, क्या साउथ वेस्ट मानसून को कोई और फैक्टर है जो बिग करता है और स्ट्रॉन्ग करता है? जी हाँ, ला नीना, आपने दो फिनोमेना का नाम सुना होगा, ला नीना और अल नीनो। याद रखना बहुत ही आसान है, देखो एक का नाम है ला नीना, ला ला का मतलब लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, स्ट्रॉन्ग मानसून लेकर आएगा, कौन, ला नीना। ये पैसिफिक कोस्ट पे आपको पता होगा ये दो फिनोमेना होते हैं, है ना, ला नीनो और अल नीनो। और अक्सर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अगर ड्राउट होगा तो क्या हो रहा होगा, और इंडिया में अगर मानसून स्ट्रांग होगा तो क्या हो रहा होगा। तो इंडियन मानसून अगर स्ट्रांग हो रहा होगा तो एक्चुअली ला नीना की वजह से होगा, ला नीना नामी है, ला लेकर आएगा वो स्ट्रांग मानसून। और अगर ड्राउट होगा, विंटर में बारिश होगी, विंटर सीजन में विंटर और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, तो वो होगा अल नीनो की वजह से। आप अगर एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, आप केवल ला नीना को याद रखें। और याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, मानसून लेके कौन आता है इंडिया में, जिसके नाम में रहेगा ला, तो ला नीना। ये था मानसून से रिलेटेड, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ओपेड में कुछ खास है नहीं, एम्प्लॉयमेंट का एक डाटा आया है, डाटा तो चेंज होते रहता है, हर महीने चेंज होते रहता है, एनएसओ एनएसएसओ सीएसओ, हालांकि इन दोनों को इस बार कंबाइंड कर दिया गया है। अब ध्यान रहे, अब ये तीन नहीं है, अब केवल एन ही एक ही है, अब केवल एनएसओ है जिसमें दोनों को कंबाइंड कर दिया गया था। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मंथली डाटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो याद रखने की जरूरत है, ना मेंस में ऐसे आप लिख पाएंगे, मंथली डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सेक्टर वाइज आपको याद रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें 42.6% लोग अब भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। कहाँ एम्प्लॉयड हैं? एग्रीकल्चर में। सर्विस सेक्टर और बाकी के जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, उसमें बाकी का पोर्शन है। 42.6% लोग अब भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो आप ये याद रखें। बाकी इसमें कुछ और अगर दिखता है आपको तो ले लें, अच्छी बात है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, 15 हाई कोर्ट जज ट्रांसफर्ड। 15 हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर किसने किया होगा, प्रेसिडेंट ने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल कौन सा है? 222, कितना सुंदर नाम है, 222। हाई कोर्ट का जज, एचसी जज, 222, भूलने की तो बात ही नहीं है, और जो भूल जाए तो फिर क्या कहें उनके बारे में। आर्टिकल नंबर 222 कहता है कि हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो सीजेआई से कंसल्ट करेगा। क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, और सीजेआई का एडवाइस डिटरमाइन करेगा कि जो अप्रूव्ड नेम ऑफ जज है उनका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। रिकमेंड किया जाता है लॉ मिनिस्ट्री को,
और एससी का जो कॉलेजियम है वो रिकमेंड करता है, यानी देखो बहुत एक सिस्टम है पूरा का पूरा। जज का नाम रिकमेंड करेगा कॉलेजियम, ये ट्रांसफर वो रिकमेंड करेगा किसे, लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा। लॉ मिनिस्ट्री हेड कौन है, ऑब्वियसली लॉ मिनिस्टर तो नहीं है हेड है ना, अगर आप लॉ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं तो बहुत कम नॉलेज रख रहे हैं आप। प्रेसिडेंट है, सबका मालिक कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अगर अप्रूव कर दिया तो लॉ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री निकालता है। कॉलेजियम का काम है नेम फॉरवर्ड कर देना, लिस्ट फॉरवर्ड कर देना। लॉ मिनिस्ट्री का काम है नोटिफाई करना आफ्टर प्रेज अप्रूवल। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि लॉ मिनिस्टर हेड होगा लॉ मिनिस्ट्री का, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ही आप अभी पीछे चल रहे हैं। फिर जो भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का कोई भी स्टेप बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल का नहीं होता है, हर एक चीज प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। तो ये ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 222 के तहत उनको पावर दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो सलाह लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है कि कहाँ का जज कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है या कौन सा जज कहाँ है, कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि त्रिपुरा हाई कोर्ट में इस बार जो जज बना है क्या नाम है उसका, तो ऐसे चीजों को ना याद रखें। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसे आप इग्नोर करने का रिस्क ना लें। बढ़ते हैं आगे, आज बहुत ही कम चीजें हैं द हिंदू में, अच्छी बात है, बाकी के सब्जेक्ट पर आप ध्यान दें। हर दिन 2 घंटे का न्यूज एनालिसिस जरूरी नहीं है, जो मेन मेन है वो हम देख रहे हैं, और आप भी यही किया करें। आप कुछ और न्यूज इसमें दिख रहा हो उसमें आप इंटरेस्ट लेने लगे कि अरे यार 2 घंटा तो पढ़ना होता है हिंदू को, किसी ने बताया है सीनियर ने, तब तो मुश्किल है। फिर जरूरी नहीं है हर दिन हमेशा सेम चीज नहीं होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 20 न्यूज आर्टिकल डेली आए। आज बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं जो अपने काम की चीज है, एक स्टूडेंट जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए, तो आप भी उतना ही तक लिमिट रहे। एक अमेंडमेंट है 13A, ये A4 अमेंडमेंट है। यहाँ श्रीलंका ने हाल ही में एक अमेंडमेंट किया है जिसमें इंडिया को अपना थोड़ा सा कुछ जो रीजनल एग्जिस्टेंस है उस पे डेंजर दिख रहा है। तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के एम्बेसडर हैं श्रृंगला साहब, वो गए हुए हैं वहाँ काफी दिन से, और उन्होंने कहा है कि ये 13 डे अमेंडमेंट को आप लोग वापस कीजिए या इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, अमेंडमेंट को फिर से अमेंड कीजिए आप। वो कुछ है कि इलेक्शन कुछ पहले करवाने का इस टाइप से, आप इसको एक बार डिटेल में देख लें। ऐसे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते कि 13 अमेंडमेंट किस कंट्री ने लाया है, हर कंट्री का अपना अपना अमेंडमेंट होता है भाई। हाँ, श्रीलंका का हम्मन टूटा जो उसने चाइना को दिया है, और हाल ही में एक वाइल्ड रिजर्व था जो चर्चा में था, इन चीजों को आप जरूर याद रखें। मोदी ने इंडिया के रेटिंग को अस्टेबल में ले आया है। कभी कभी स्टेट वाले पूछ देते हैं कि मोदी, फिंच, स्टैंडर्ड पुअर, इन सब ने क्या रेटिंग दिया है, लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया को या किसी भी कंट्री को मार्क्स देते हैं कि आपका इकोनॉमी इस लेवल पे है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, तो ऐसे डाटा को आप याद ना रखें। जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो है कोल से रिलेटेड। एक न्यूज आर्टिकल आया है जो बहुत ही डराने वाला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद 185 बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर स्टेशन बंद हो जाएंगे। अब अगर इस पे सर्च किया जाए तब पता चलेगा कि भाई दिल्ली मुंबई जैसे भी शहर जाएंगे क्या, वहां भी अंधेरा होगा क्या। और इस आर्टिकल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा हुआ है, कोल टू लास्ट लेस देन 4 डेज एट 64 पावर प्लांट्स। छोटे छोटे अगर मिला दें तो 100 से ऊपर ये हो जाएंगे। 64 ये मेजर वाले पावर प्लांट हैं जो बिजली दे रहे हैं कंट्री को। तो आज तो पहला दिन हो ही गया, 3 दिन और कोयला चलेगा, यानी 3 दिन बाद 9 बिजली। खैर अच्छी बात है, बहुत एक्साइटेड हैं हम। लेकिन अपने काम का चीज यहाँ पर ये है कि इंडिया का कोल में पोजीशन क्या है। अभी कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि चाइना के कुछ स्टेट्स, प्रोविंस जिसे बोलते हैं, वहां पे अंधेरे में जी रहे हैं। रीजन ये है कि वहां पे लॉकडाउन में कोल का प्रोडक्शन हुआ नहीं। चाइना वही कंट्री है जो कोल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर कौन है, चाइना। नंबर 2 पर कौन है, नंबर 2 पर है इंडिया। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्व में इंडिया का 5th प्लेस है।
कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में लिखा रहे कि कोल रिजर्व में इंडिया का कौन सा प्लेस है, आपको सेकंड याद रहे। प्रोडक्शन अलग चीज है और कोल रिजर्व अलग चीज है। तो कोल रिजर्व इंडिया के पास वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का टोटल 9% है, लेकिन प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पर हैं। अब प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर होकर भी जो ये डर पैदा हुआ है कि 64 पावर प्लांट बिजली देना बंद कर देगा 3 दिन बाद, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए जब होगा देखेंगे, 2-3 दिन और रह गया है। आज के न्यूज आर्टिकल में मेरी तरफ से एक लास्ट है, MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं, है ना, आपके ज्वेलरी रख लेते हैं और आपको लोन देते हैं, ये भी RBI से रेगुलेट होता है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेन है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का। डिटेल में आप इसे कभी जरूर पढ़ें, मेंस आर्टिकल लिखने में बहुत हेल्प करेगा आपको माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।